अल्लाह बरकातहू, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपको आज बताऊंगा कि हमारे यहाँ अक्सर ये गलती की जाती है कि जब बच्चा दांत निकालने शुरू करता है तो उस वक्त बहुत ही हमारी जो बातें हैं वो बड़ी ही फजूलियात होती हैं कि बच्चे को बुखार होना होता है, डायरिया होना होता है, बच्चे के में चिड़चिड़ापन आ जाता है, सर भारी हो जाता है। ये फजूल बातें हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि दांतों के दरमियान, दांत जब बच्चा निकालता है तो उसके दरमियान कौन सी पॉब्लम आ सकती हैं। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूँ डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्सत्तार अंजुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है चाइल्ड टीथ प्रॉब्लम सोलूशन। बच्चों के जो दांत निकलने के दरमियान प्रॉब्लम होती हैं उनका मैं हल लेकर आज आया हूँ। पहले नंबर पे तो हमारे यहाँ ये बहुत ही आम सी बातें हैं, बड़ी कॉमन बातें हैं कि बच्चा जब दांत निकालता है तो उस वक्त उसको बुखार होना ही होता है, डायरिया होना ही होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इसका सर भारी होता है, इसकी मेडिसिन नहीं ली। ये फजूल बातें हैं। देखें, अगर डायरिया है तो बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? बच्चा फिर दांत निकालने में दिक्कत महसूस करेगा, उसकी दांतों की निकालने की जो स्पीड होगी, जो उसकी प्रोग्रेस होगी वो कम हो जाएगी, वो लोअर लेवल पे चले जाएगी। जब बुखार की वजह से उसको वीकनेस आएगी, वो खाए पिएगा कम, उसकी वजह से भी उसको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ये कहाँ की अकलमंदी है? ये कोई अकलमंदी नहीं, ये फजूल बातें बनी हुई हैं। जब बच्चा दांत निकाल, बल्कि तो दांत निकालने से पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए कि बच्चे की न्यूट्रिशन इस किस्म की देनी चाहिए कि बच्चा अपने दांत आसानी से निकाल सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके ड्यूरिंग दांत निकालने के, यानी जब दांत निकाल रहा हो तो उस वक्त उसको प्रॉब्लम आनी ही चाहिए, नहीं चाहिए। कैसे नहीं आएगी? कि जब आप उसकी न्यूट्रिशन पूरी रखेंगे, उसकी गजाइत पूरी होगी, उसकी ताकत जिस्म के अंदर बहाल होगी। वो मैं आपको आज मेडिसिन बताता हूँ वे कौन सी आपने इस्तेमाल करनी है, उसकी खुराक का कैसे ख्याल रखना है। एक तो ये ख्याल करना है कि बच्चे को टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर होगा वो अच्छी तरह खाए पिएगा नहीं, इसके साथ उसकी प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, उसको डायरिया की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। डायरिया इस तरह होता है कि जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं वो उसकी फीलिंग बड़ी अजीब होती है। वो दांत निकलने के दौरान मुंह के अंदर अक्सर हाथ डालता है, जैसे उसको कोई अजीब फीलिंग होती है। तो वो दांत जब मुँह में उंगली डालता है तो उस वक्त उसके साथ को वायरस बैक्टीरिया चला जाता है, जिसकी वजह से उसको डायरिया लगता है। हम कहते हैं कि डायरिया तो लगना ही होता है, वो कैसे लगेगा? हाथ उसको अच्छी तरह साफ रखे, पीस टीदर दें उसको, और इसके साथ साथ ये भी ख्याल रखें कि बच्चे को टेम्परेचर ना हो। बच्चे की खुराक, खासकर 6 माह पहले ही बच्चे की खुराक का ख्याल रखना शुरू कर दें कि बच्चे ने दांत निकालने। एक तो बच्चे के दांत बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े नफीस निकलेंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, डबल डबल नहीं आएंगे, कमज़ोर नहीं निकलेंगे। इनका तदारक करने के लिए बायोप्लास्टिन कॉम्बिनेशन है जर्मन का, श्वाबी कंपनी का 21, बायोप्लास्टिन 21, ये आपने ले लेना है। सुबह दोपहर शाम उसको एक एक गोली देनी शुरू कर देनी है। इसके साथ आपने उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है कि फ्रूट वगैरह दें, केला वगैरह दें, अंडा वगैरह दें, और साथ उसको फेरमफास, कलकेरिया फास और आयरस, ये 3 मेडिसिन जो है ये 30 ताकत में आपने लेनी है। और उसको एक एक कतरा सुबह दोपहर शाम एक ही जगह पर इकट्ठी कर लें और उसको एक एक कतरा सुबह दोपहर शाम देना शुरू कर दें। बच्चे के हाथ अच्छी तरह साफ रखें, कोशिश करें कि वो पीस टीजर जो है वो मुंह में डाले। बच्चा दांतों के दौरान जब दांत निकाल रहा हो तो मुंह में वो हाथ ना डाले। हाथ अगर उसके साफ होंगे, अगर कभी वो डालेगा तो बीमार नहीं होगा। इसलिए हाथों को साफ रखना है, बच्चे की न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, बच्चा बहुत ही आसानी से दांत निकालेगा, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। जब बच्चे के अंदर गजाइत पूरी होगी तो उसकी जो प्रोग्रेस होगी, जो उसकी ग्रोथ रेट होगा वो ठीक होगा। इसी तरह दांतों का भी है। दांत जब बच्चे ने निकालने होते हैं, जब उसकी न्यूट्रिशन ठीक होगी, उसकी ताकत जिस्म की ठीक होगी, उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ा जो होगी, इम्यूनिटी होगी, वो ठीक होगी, कायम होगी, तो वो बिल्कुल ठीक सर्वाइव करता रहेगा और बिल्कुल उसकी डेवलपमेंट ठीक होगी। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।